Assalamu alaikum. Here I will explain what is mean by poverty, situation of poverty in Pakistan, and what are different causes of poverty in Pakistan. After that, I will explain what are different effects of poverty, and at the end, I will suggest the solution for poverty in Pakistan. First question is, what is mean by poverty? Poverty is the lack of the basic human needs such as a home and clean water. जी, poverty का मतलब ये होता है कि जब इंसानों को उनकी जो basic needs होती हैं, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, पीने का साफ पानी, इस तरह की चीज़ें भी उनको available ना हो, तो ऐसे लोग जो है वो पावर्टी के दायरा कार में आते हैं. तो बहरहाल दुनिया में पावर्टी की कई एक डेफिनेशंस हैं. वर्ल्ड वाइड एक डेफिनेशन है जिसके मुताबिक अगर एक शख्स की डेली की इनकम $1 से कम है, देन ही और शी इज़ कंसिडर्ड एज पुअर. एक और क्राइटेरिया है, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा अप है, उसके मुताबिक अगर एक शख्स की डेली की इनकम $2 या उससे कम है, तो देन ही और शी इज़ कंसिडर्ड एज पुअर. तो नेक्स्ट है सिचुएशन ऑफ पावर्टी इन पाकिस्तान. पाकिस्तान इज़ अ कंट्री विद टू मैनी पीपल एंड फ्यू रिसोर्सेज. द इम्पोर्ट इज़ ग्रेटर देन एक्सपोर्ट. इन फैक्ट पाकिस्तान इम्पोर्ट्स इवन रॉ मटेरियल. जी, इसमें यह है कि पाकिस्तान में आबादी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के वसाइल कम हैं. पाकिस्तान के जितने वसाइल हैं, पाकिस्तान की आबादी उससे काफ़ी ज़्यादा है, यानी पाकिस्तान की आबादी जो है वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन नहीं है. ऑप्टिमम पॉपुलेशन वो होती है जो मुल्की वसाइल से मैच करती हो, मुल्की वसाइल के मुताबिक हो. तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन इस टाइम तकरीबन 22 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं. पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, दैट इज़ 1.9%, दैट इज़ हाईएस्ट इन दिस रीजन. तो इसके साथ ही पाकिस्तान में जितनी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उनकी बरामदात कम है, एक्सपोर्टेशंस कम है, गुड्स की, सर्विसेज की बरामदात कम है. ऑन द अदर हैंड जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जो बहुत ज़्यादा आबादी है, उस आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमें बहुत बड़ी तादाद में गुड्स एंड सर्विसेज, खाने पीने वाली चीज़ें, दूसरी ज़रूरियात की चीज़ें, वो हमें इम्पोर्ट करना पड़ती हैं. यानी हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, कम हैं और इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं, एंड वी आर फेसिंग ट्रेड डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट. तो इसके साथ ही सिचुएशन बड़ी वर्स है. एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद हमें एग्रीकल्चर जो गुड्स हैं, एग्रीकल्चर आइटम्स हैं, वो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, और हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट भी करते हैं, और रॉ मटेरियल बाज़ात हमें जो है वो इंपोर्ट भी करना पड़ता है. नेक्स्ट है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट आउट ऑफ 40 मिलियन पीपल हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, 30 मिलियन लिव इन रूरल एरियाज. जी, इसमें फिगर मैं थोड़ी सी करेक्ट कर दूं कि पाकिस्तान में इंस्टेड के 40 मिलियन पीपल हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, द एक्यूरेट करंट फिगर इज 55 मिलियन पीपल हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. तो इनमें से भी 40 मिलियन से ज़ायद पीपल हैं हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन एंड दे आर रिजाइडिंग इन रूरल एरियाज. यानी जो पाकिस्तान के रूरल एरियाज हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं, देहात हैं, वहाँ पे पॉवर्टी जो है वो शहरों की निस्बत ज़्यादा पाई जाती है. सेकंड इशू इज़ व्हाट आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. देयर इज़ अ लैक ऑफ एजुकेशन स्पेशली फॉर गर्ल्स. पाकिस्तान में जो है वो पॉवर्टी की बड़ी वजूहात में से एक रीज़न ये है कि पाकिस्तान में
लिटरेसी रेट बहुत कम है। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट राउंड अबाउट 60% है, जो कि बहुत कम है। और एजुकेशन में भी फिर जो स्पेशली वुमेन हैं, गर्ल्स हैं, उनकी एजुकेशन जो है वो कम है, दे आर लेस एजुकेटेड। तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, साइंटिफिक एजुकेशन नहीं है, लेटेस्ट ट्रेंड्स जो है वो हमारी जो लेबर है वो अडॉप्ट नहीं करती। तो नई नई स्किल्स नहीं है। तो एक तो पॉवर्टी की कॉजेज में से पाकिस्तान में एक ये कॉज है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री वेयर मैन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल। नॉर्मली मैन गो टू वर्क वाइल वुमेन स्टे एट होम टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। जी, इसमें यह है कि पाकिस्तान में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। जो ख्वातीन हैं वो घरों में होती हैं, घर के काम काज करती हैं, और मर्द हजरात जो हैं वो बाहर जाके काम करते हैं। जबकि रिच कंट्रीज में जो ख्वातीन हैं वो मर्दों के शाना बशाना उनके इक्वल काम करती हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इक्वल जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में यह है कि मेजोरिटी ऑफ द वुमेन स्टे एट होम एंड टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रेन। तो चूंकि पाकिस्तान में मैन वुमेन रेशो जो है वो 52-48% है, यानी 52% ख्वातीन हैं और 48% मर्द हजरात हैं। अब ख्वातीन मेजॉरिटी होने के बावजूद जो है वो घरों में होती हैं, तो इट मीन्स के 52% पॉपुलेशन जो है उसमें से एक बड़ा पोर्शन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अपना रोल ही प्ले नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान में पॉवर्टी की डिफरेंट जो कॉजेज़ हैं उनमें से एक ये बड़ी रीज़न है। नेक्स्ट है, डिसऑनेस्ट पीपल द रिच बिकम रिचर वाइल द पुअर पुअरर। जी, पाकिस्तान में दौलत की अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन पाई जाती है। तो एक तरफ तो इंतहाई अमीर लोग हैं जिनके पास पूरे मुल्क की दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी कस्टडी में है। दूसरी साइड पे इंतहाई गरीब लोग हैं जो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं और जिनके पास पूरे मुल्क की दौलत का एक बहुत थोड़ा हिस्सा है, और इकोनॉमी क्लास जो है उसका साइज बहुत छोटा है। किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में जो मिडिल क्लास है, इकोनॉमी क्लास है, उसका एक बड़ा एक्टिव रोल होता है, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भरपूर तरीके से वो अपना रोल प्ले करते हैं। जो पुअर लोग होते हैं उनकी एजुकेशन कम होती है, उनकी हेल्थ लेवल उतना नहीं होता, उनकी स्किल्स नहीं होती उनके पास। सो इन वजूहात की वजह से वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। और इसी तरह जो इंतहाई रिच लोग हैं उनका भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इतना वाइटल रोल नहीं होता। तो पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि अमीर लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम मजीद अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मजीद गरीब होते जा रहे हैं। और ये जो अमीर और गरीब का गैप है ये बढ़ता जा रहा है। दैट इज़ अ बिग रीज़न ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। जी, नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर इज़ द मेन जॉब इन पाकिस्तान। फार्मर्स वर्क इन देयर लैंड्स एंड सप्लाई फूड फॉर देयर फैमिली विच इज़ ऑफन इनसफिशेंट फॉर ऑल द फैमिली। जी, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और पाकिस्तान की कौमी आमदनी जो है GDP, उसमें एग्रीकल्चर का शेयर तकरीबन 19% है। और पाकिस्तान में जो है वो 60% से ज़्यादा लोग देहातों में रहते हैं, और 40% से ज़्यादा लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से जो है वो रोज़गार हासिल कर रहे हैं। बट पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बैकवर्ड है। पाकिस्तान में फी एकड़ पैदावार कम है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का यूज़ बहुत कम है, और किसान जो हैं उनको देवर लेस एजुकेटेड, उनको उनके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, उनके पास उनको जो है लोनिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है कि वो अपना ट्रैक्टर, थ्रेशर,
पानी के इंतजाम कर सकें, इरिगेशन का सिस्टम डेवलप कर सकें। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पाकिस्तान का बैकवर्ड है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पावर्टी पाई जाती है। जी नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ पावर्टी। अब पाकिस्तान में पावर्टी है तो उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। मैनी पीपल डू नॉट हैव अ जॉब, चिल्ड्रन वर्क इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग स्कूल। जी पावर्टी की वजह से ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास जॉब्स नहीं हैं, दे आर अनएम्प्लॉयड। ओके, तो लाखों लोग बेरोजगार हैं, और जो चिल्ड्रन हैं, छोटी एज के जो बच्चे हैं, टीनएजर्स हैं, वो देहातों में काम करते हैं, शहरों में काम करते हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में होटल्स पे काम करते हैं, और स्कूल नहीं जाते। हालांकि इस एज के बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, लेकिन वो स्कूल जाने की बजाय बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन लेने की बजाय डिफरेंट जगहों पे काम करते हैं। तो नेक्स्ट है लैक ऑफ क्लीनलीनेस विच कॉजेज अ लॉट ऑफ डिजीजेस। मैनी बेबीज एंड चिल्ड्रन आर नॉट गिवन द मेडिसिन नीडेड। पाकिस्तान में गुर्बत की वजह से जो है वो सफाई के इंतजाम नहीं हैं। अक्सर रहायशी कॉलोनियाँ जो हैं वहाँ पे बहुत ही डर्टी सिचुएशन है, और बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो उसकी वजह से क्रिएट हुई हुई हैं। मलेरिया और डेंगी, फलां फलां डिफरेंट डिजीज़ेस जो हैं वो इन्वायरमेंट और दाएं बाएं का माहौल जो है वो नीट एंड क्लीन ना होने की वजह से ये डिजीज़ेस हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको बेसिक जो मेडिसिन्स हैं वो नहीं दी जाती, जिनकी वजह से उनकी सेहत का मेयार बेहतर नहीं है। जी अब नेक्स्ट है कि पॉवर्टी जो है उसका सलूशन क्या है, हाउ टू इरेडिकेट पॉवर्टी, पॉवर्टी का हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं। ऑफर एजुकेशन फॉर ऑल एंड एंड चाइल्ड लेबर। सबसे पहली बात यह है कि देयर शुड बी कंपलसरी एजुकेशन, तो पाकिस्तान में काफ़ी हद तक है। तो फुली जो है वो तमाम लोगों को जो है वो प्राइमरी और एक ख़ास हद तक एजुकेशन दी जानी चाहिए, फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, और हर बच्चे को एजुकेशन जो है वो दी जानी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। मैन एंड वुमेन नीड टू बी ट्रीटेड इक्वली। जी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, और मर्द और ख्वातीन जो हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। उनको एक पॉलिटिकल फील्ड में, इकोनॉमिकल फील्ड में, इंस्टीट्यूशंस में, जॉब सेक्टर में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए। वुमेन कैन वर्क टू एंड अर्न मनी फॉर देयर फैमिली। ख्वातीन जो हैं वो घर में रहने की बजाय वो डिफरेंट काम करें और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। तो इसके अलावा जो पावर्टी की एरेडिक्शन है इसके लिए डिफरेंट जो हैं वो पावर्टी को कंट्रोल करने के लिए और भी डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनमें पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में पॉपुलेशन उसके वसाइल से बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन को वसाइल के मुताबिक होना चाहिए। उसके बाद लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर जो जॉबलेस लोग हैं उनको वहाँ पे जॉब्स मिलें, उनके पास अर्निंग्स आएँ और पावर्टी का खात्मा हो। पाकिस्तान में पावर्टी की कॉजेज़ में एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस है, तो उसके लिए जो है वो एग्रीकल्चर के सेक्टर को बेहतर किया जाए, और उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो गवर्नमेंट फोकस करे, और लैंड रिफॉर्म्स होनी चाहिए, किसानों को लोन्स दिए जाने चाहिए, एग्रीकल्चर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, एग्री रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए।
इसके अलावा दौलत की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। पाकिस्तान में चूंकि दौलत की अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज़ वन ऑफ द डिफरेंट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, तो ये जो एक इनइक्वालिटी है ये ख़त्म होनी चाहिए। इसके लिए ज़कात का सिस्टम, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम और ज़कात के अलावा खैरात का सिस्टम, ट्रांसफ़र पेमेंट्स और गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो इनकम में जो डिस्पैरिटी है उसको ख़त्म करने के लिए अपना रोल प्ले कर सकती है। इसके अलावा जो यूटिलिटी चार्जेस हैं पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा हैं। आम जो तबका है, कम इनकम वाले जो लोग हैं उनको गैस बिजली के बिल बहुत पे करने पड़ते हैं, तो यूटिलिटी चार्जेस जो हैं वो कम होने चाहिए ताकि जो पुअर तबका है उनके ऊपर जो है वो उनको सपोर्ट मिले और उससे पावर्टी रिड्यूस हो। नेक्स्ट ये है कि जो जॉबलेस लोग हैं उनको लोन्स दिए जाने चाहिए और जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए, छोटा छोटी इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेस के लिए नरम शराइत पे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स दिए जाने चाहिए जिससे जो है मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट होंगी और मुल्क के अंदर लोगों का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो पावर्टी लाइन से बाहर आएगा। उसके बाद पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है दैट इज़ बैकवर्ड, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाए, बिजली की फ्राहमी को अशोर करे, इसके अलावा एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल करे, फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको डिफरेंट मराद दी जाएँ, सब्सिडीज़ दी जाएँ और जो इंपोर्टेड मशीनरी है उस पे कस्टम ड्यूटीज़, इंपोर्ट टैक्स जो है उसको कम या अल्टीमेटली रिड्यूस किया जाए, अबॉलिश किया जाए। एट द एंड आई विल से कि मुल्क के लोग जो हैं उनमें नेशनलिज्म की स्पिरिट क्रिएट की जाए ताकि लोग जो हैं वो होममेड चीज़ों को इस्तेमाल करें इंस्टेड के वो इंपोर्टेड चीज़ें जो हैं उनको परचेज़ करें, जिससे जो है वो हमारी बरामदात बहुत सॉरी हमारी दरामदात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं इंपोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से। अगर हम अपनी होममेड चीज़ें इस्तेमाल करें तो उससे एक तो हमारी इंपोर्ट्स कम होंगी और दूसरा जो है वो जो ट्रेड डेफिसिट है वो रिड्यूस होगा। थैंक यू।